गौरा हासिल करेगी अब नया मुकाम, गौरा की सास भी दे रही है अब गौरा का साथ। इन दिनों मेरी सास भूत में काफी हाई वोल्टेज ड्रामा दिखाया जा रहा है, जहां एक तरफ गौरा अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही है और एक कंपनी खोलती है जिसके जरिए वो लोगों को मुक्ति दिलाएगी। तभी इस शो में एक नई एंट्री होती है वरुण नाम की। जी हाँ, अब वो गौरा का साथ देगा उसकी कंपनी चलाने में, वो उसका फाइनेंसियर बनता है। तो वही दूसरे सीन में दिखाया जा रहा है कि वरुण जब अपनी कार से जाता रहता है तो उसकी कार खराब हो जाती है और कार से बाहर आने के बाद वो एक शख्स से लड़ाई करने लगता है। तभी वहाँ पर गौरा आ जाती है और दोनों के झगड़े को सुलझाती है। मैम, सीन में देखा जा रहा है एक नया किरदार, एक नया कैरेक्टर आ गया है, तो वो क्या है, मतलब कौन है? आप हमारी गौरा से पूछिए कैसा लग रहा है उनको, एक उनके ऑपोजिट नया लड़का है। हाय, दिस इज काजल चौहान, यानी कि आपकी प्यारी गौरा मेरी सास भूत है। तो अभी गौरा एक नए किरदार में, एक नए गेटअप में आ चुकी है और साथ में वरुण जी की एंट्री हुई है गौरा के साथ में। तो ऑब्वियसली बात है, मुझे वरुण के साथ काम करके बहुत, जान के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत अंडरस्टैंडिंग है और मुझे सपोर्ट करता है, सीन भी समझाता है कभी कभी तो मुझे मज़ा आ रहा है इसके साथ। अपने न्यू लुक, मतलब एक नया आपका भी पैन तो करिए, दिखाइए तो पूरा नया लुक तो दिखाइए। एक पर एक नया अंदाज गौरा का दिखाया जा रहा है, क्या है ये नया अंदाज दिखाने का? जैसे आप लोगों को पता है हमारे शो में 6 मंथ का लीप आ चुका है और अभी हम भूत पकड़ने वाले बन चुके हैं और जो भूत हम पकड़ रहे हैं वो इनके ज़रिए पकड़ रहे हैं। इन्होंने हमारी बहुत बहुत हेल्प की है। जो BMW हमने एक नई कंपनी लॉन्च की है, मैंने, मेरी सास ने और हमारे पार्टनर है वरुण उसमें, तो फाइनेंसर तो ये चीज़ हो रही है जिसका नाम है भूत मुक्ति वाले और 6 महीने का लीप आ चुका है। एक नई नई कहानियाँ लाने वाले हैं हम लोग, हर रोज़ आपको, हर हफ्ते आपको नई स्टोरी देखने को मिलेगी। तो बस लोग के बीच में कुछ पैसों को लेके भी बातें हो रही थी, हाँ। तो ऐसा मतलब वो क्या, वो उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा ना। अभी मैं अभी से आपको बता दें कैसे चलेगा, बट बहुत बहुत कुछ है शो में, बहुत नई नई चीज़ें आने वाली हैं। आप लोग इतना प्यार देते हुए आ रहे हैं शो को, जो मुझे शो की तरफ खींच के लाया, तो मैं चाहता हूँ कि शो को ढेर सारा प्यार और दीजिए। बहुत नई नई कहानियाँ हैं, मैंने ज्वाइन किया है, नई नई स्टोरीज आने वाली हैं, गौरव का नया लुक है, तो वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड के लेट्स जस्ट मेक दिस शो अ हिट शो अगेन। सर, आपके किरदार के बारे में आप थोड़ा कुछ बता सकते हैं? वरुण एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है, बिजनेस टाइकून है, जहाँ पे उसको थोड़ी सी गलतफहमी हो जाती है कि उसके होटल में भूत है, जहाँ गौरा आके वो पूरी चीज़ें क्लियर करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, भूतों को भगा देती है। वहाँ से एक वरुण ऐसा किरदार है, उस वही सफिस्टिकेटेड, बाय द सेम टाइम वो औरतों की बड़ी इज्जत करता है, हर चीज़ में उन्हें आगे देखना चाहता है, कमाता हुआ देखना चाहता है, वो चाहता है कि आज की औरतें इंडिपेंडेंट रहें, किसी पर डिपेंडेंट ना रहें। तो वो गौरा का एक बिज़नेस स्टार्ट करवाता है, गौरा को बहुत सपोर्ट करता है और पहली बार उसे ऐसा लगता है लाइफ में कि मैंने हमेशा से लोगों का दर्द समझा है, मुझे पहली बार कोई ऐसा इंसान मिला है जो गौरा है, जो मेरा दर्द समझने को तैयार है। तो बहुत 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 प्यारी कहानी आने वाली है, आई जस्ट होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आए और हमें ढेर सारा प्यार दें। तो फैंस को क्या आप लोग की कोई नई केमिस्ट्री दिख सकती है? फैन को बहुत जल्दी हम दोनों की एक रील दिखने वाली है इंस्टाग्राम पे फॉर श्योर, अभी इन लाइक 10 मिनट्स मैक्स। अदरवाइज शी इज अ वेरी चिल्ड आउट एक्ट्रेस, सो मच फन, ये पूरे सेट का बच्चा है, इनको सब बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं और बहुत अच्छी हैं ये और बहुत मजा आ रहा है इनके साथ काम करके। तो देखते रहिए मेरी सास भूत है मंडे टू फ्राइडे 9 बजे सिर्फ स्टार भारत पे। एज यू कैन नो कि देखिए इतना अच्छा हमारा प्राइम स्लॉट मिल चुका है 9 बजे का, तो प्लीज़ आप सबसे हमारी विनती है, दरख्वास्त है कि ढेर सारा प्यार दें और हमारा शो पहले TV पे देखें, उसके बाद हॉटस्टार पे देखें। ओके, लास्टली अपने फैंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपका एक नया शो है? तो फैंस को यही कहना चाहूँगा, गाइज यू गाइज आर अमेजिंग, यू गाइज आर लव, इतने टाइम से इतना ढेर सारा प्यार देते हुए आ रहे हैं। गौरव के फैंस को भी बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे शो को देखें, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सबको बोले कि हमारा शो देखें। एक बात बोलना चाहूँगी, जैसे आपने हमें प्यार दिया है, गौरव को प्यार दिया, हमारे सारे किरदारों को, प्लीज़ वरुण को भी उतना ही प्यार दीजिए। वरुण ने जगह बना ली 2 दिन में आते से, वरुण को भी उतना प्यार दीजिए और साथ में हम दोनों को एक साथ प्यार दीजिए, ताकि आपको हम दोनों ज्यादा से ज्यादा देखें। और जो आप हमारे नाम मिक्स करके गौरव वरुण का क्या बनाएंगे, वागा वागा हैशटैग, सो प्लीज वो हमें टैग करें, रील्स बनाए, भाई डायलॉग्स में रील्स बनाए, शो के डायलॉग्स में रील्स बनाए, हम सबको टैग करें, 100% विल रीपोस्ट इट।
हाँ यहाँ पे तो ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। दूसरी गाड़ी कमा रखा है।
चुप, एकदम ही चुप। तुम ना एक नंबर के लीचड़ इंसान हो। इसी नजर में हर चीज ऐसे में तोली जाती है। उनके पिता की या गांव की भावनाओं का कोई महत्व नहीं है। ये जो गाड़ी है ना, ये सिर्फ गाड़ी नहीं है, ये वरुण जी के पिता की आखिरी निशानी है। और तुमने ऊपर वरुण जी का गुस्सा करना स्वाभाविक किया। शर्म आनी चाहिए तुमको। वेल, अपकमिंग एपिसोड देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि किस तरह से गौरा अपनी कंपनी को आगे बढ़ाती है और सोम गौरा के लिए क्या करता है। वेल, टीवी सीरियल के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया टेली के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।